नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ जहां बाबरी मस्जिद का मुद्दा गर्म है, वहीं दूसरी तरफ 6 दिसंबर आते ही लोगों के जहन में बाबरी मस्जिद का ख्याल आ जाता है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर जो है मुस्लिम समुदाय 6 दिसंबर को जो है काला दिवस के रूप में मनाता है। हमारे साथ मौजूद हैं NCP के कलवा मुमरा के अध्यक्ष समीम खान साहब, हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर बाबरी मस्जिद के बारे में उनका क्या ख्याल है। सर, बाबरी मस्जिद जो है 6 दिसंबर को जो है शहीद कर दी गई थी, उसके बारे में आप क्या कहें? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा की ऑफिस पे आज राष्ट्रवादी पार्टी के परिवार ने, मुमरा शहर के उलमाए कराम ने, यहाँ की बहुत सारी अवाम और डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, हम सब लोगों ने मिल करके आज यहाँ पे 26वीं बरसी आज हम लोगों ने यहाँ पे मनाया है, जिसमें हमारे मौलाना अजहर हुसैन सिद्दीकी साहब ने अजान दिया है और उसके बाद मौलाना रफ़ीक अजमल साहब ने दुआओं के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म किया है। हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से ये, और ये संदेश देना चाहते हैं प्रहार टाइम्स के माध्यम से, कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान करते हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स करने के लिए, राजनीति करने के लिए, अपनी सत्ता को दोबारा लाने के लिए बाबरी मस्जिद के नाम पे और मंदिर के नाम पे खेल खेलते हैं। ये बात की मैं अफसोस जाहिर करता हूँ कि राजनीति को लेकर के मंदिर मस्जिद नहीं आना चाहिए। मंदिर और मस्जिद वो पाक जगह है जहाँ पे हम नमाज और हम गीता पढ़ते, कुरान और हम गीता पढ़ते हैं। आज आपने मस्जिद को लेकर जो है दुआ भी की, लेकिन आपके जो पार्टी के आमदार वो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, लेकिन आपने जो दुआ का यहाँ प्रोग्राम रखा, उसी पार्टी में आपके आमदार, आपके नगर सेवक नदारत नहीं, मौजूद नहीं। तो माफ करना, क्यों नहीं आखिर वो माफ करना, माफ करना। अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में है? नहीं, देखिए ये आप लोगों की गलत फहमी हो जाती है, शायद आप उस प्रोग्राम में शामिल नहीं थे। तो हम बताना चाहते हैं आपको, राजन किनी साहब हमारे नगर सेवक, नहीं नहीं, आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, आप सुनिए, आप सुनिए ना इस्लामुद्दीन भाई, आप मुझे कहने का मौका तो दीजिए। वहाँ राजन किनी साहब भी थे, आपको उसके हम पिक भेजते हैं। वहाँ पे रूपाली गोटे जी थी, वहाँ पे अनीता किनी जी थी, वहाँ पे बंटी नाइक भी थे, वहाँ पे हमारा कार्यकारी प्रेसिडेंट प्रवीण पवार भी था, बाबू मकरे जी थे RPI के लीडर, और इस तरीके से शानू पठान, सुनिए ना, आपने नाम गिना है ना नगर सेवक, पहले सुन लीजिए आप, हमारे शानू पठान साहब थे, हमारे शाकिर शेख थे, जफर नुमानी थे, इमरान सुरमे थे, हमारे कुछ नगर सेवक इस वक्त आउट ऑफ रहे होंगे, नहीं पहुंच सके होंगे, हमारे विधायक जी इस वक्त पुणे में हैं, अगर वो होते पक्का आए होते थे। और आप तो जानते हैं कि हमारे विधायक जी ने हाउस से लेकर के हर जगह, उन्होंने जब बात माइनॉरिटीज़ को लेकर के आई है, तो हिंदुस्तान के वो शायद सेकुलर लीडर ऐसे हैं जिनको जान से मारने की धमकी दी गई। आप नहीं जानते इन चीज़ों को, आपने क्या प्रहार टाइम्स इसको चलाया नहीं था? अब ऐसा लीडर है वो जो अपनी जान को, सुनिए सुनिए, आपने पहले सवाल किया मुझसे, दुआ में क्यों नहीं शामिल? नहीं शामिल थे, हमारी दुआ का हमारा एक वक्त था, हमारा वक्त था 12:30 का, क्योंकि 1 बजे के बाद जोहर की नमाज थी, 12:35 को हमने दुआ कर दिया, उसके दुआ के बाद वो शामिल हुए वहाँ पे, बहुत सारे शामिल भी थे और बहुत सारे थोड़ा आगे पीछे भी आए। रही बात हमारे आमदार साहब की, वाहिद ऐसा MLA है, सेकुलर लीडर है, जो हमेशा कभी ये नहीं गिनता कि हमारी जान रहेगी कि जाएगी। अगर किसी को जान से मारने की धमकी आई और लिस्ट में नाम आया, तो वो जितेंद्र अवार्ड का आया। अवार्ड साहब आते हैं, आनंद प्रांतीय साहब भी आते हैं, आज भी आए होते, लेकिन वो थे नहीं, मैंने बताया आपसे, वो पुणे में थे, आनंद प्रांतीय साहब किसी काम में रहे होंगे। लेकिन उसके बाद आपने जो पूछा, तो मैंने आपको एक लाइन से नाम गिना दिया, मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, वो चूँकि वो आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, मेरे तमाम नगर सेवक मौजूद थे वहाँ पे, अगर कुछ नहीं आ सके होंगे उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम के बाद सब पहुँचे, ऐसा मत बोलिए आप। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई, अगर हमारे आमदार साहब कहीं बिजी रहे हुए हैं वो ना आ सकें, तो शमीम खान की जिम्मेदारी है। मैंने अपने जो हमें हमारे जो दिल में था, जो हमारी चाहत थी, वो हमने ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स को किया। हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान में मामला अमन और शांति का बरकरार रहे, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बरकरार रहे, वरना नुकसान हमारा होगा, हम हमारा नुकसान नहीं चाहते हैं, चाहे वो माली हालात से हो, चाहे हमारे किसी बच्चे की जान हमारे किसी से हो, हम लोग ये अल्लाह से दुआ करते हैं
कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान में का अमन और शांति कायम रहे, हिंदू मुस्लिम भाई चारे से जो आज तक हमने पहचान बनाई है वो हमेशा कायम रहे, ऐसा हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं। अवार्ड साहब से क्या आपकी बात हुई थी इस कार्यक्रम के बारे में कि वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? वो कहीं बिजी थे, मैं उनसे बात किया था, ऐसा नहीं, मेरे पार्टी प्रेसिडेंट है वो, मैं जो प्रोग्राम करता हूँ वो बात उनके नॉलेज में होती है, उनको बताते हैं हम। अवार्ड साहब मेरे बॉस है, मेरे प्रेसिडेंट, मेरे बॉस है, वो MLA हैं, हम उनको बताते हैं कि साहब ये प्रोग्राम इतना बड़ा दिन है, छोटे छोटे देखिए ऐसा 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 मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, इतना बड़ा नहीं 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 ऐसा इतिहास का काला दिन मुस्लिम समुदाय, ऐसा मत बोलिए अपने आप को सेकुलर कहने वाले जितेंद्र आवाज, सेकुलर कहने वाले नहीं, वो सेकुलर है वो, नहीं नहीं सेकुलर, आप सुनिए, क्यों नहीं आप इस बात को मानिए, पक्ष में है वो, आप मानिए बात को, आप मानिए, आपके परहा टाइम्स ने चलाया था कि अगर वो 7-8 लोगों का लिस्ट में नाम आया था ना, जान से मार देंगे, तो उसमें एक नाम जितेंद्र अवार्ड का था, तो आप ही ने लिखा था कि सेकुलर लीडर हैं, शमीम खान नहीं कहता, वो तो मेरे बॉस है, मैं तो कहूँगा ही, लेकिन जितेंद्र अवार्ड सेकुलर लीडर थे, सेकुलर लीडर हैं और कल भी सेकुलर लीडर रहेंगे, ये हम आप उनकी तरफ से आपको हम बताना चाहते हैं। रही बात अगर आज वक्त से नहीं पहुंच सके तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप कहेंगे वो नदारद रहे? अरे भाई ठीक है, वो अगर नहीं आ सके तो शमीम खान पार्टी प्रेसिडेंट है, उसने प्रोग्राम किया ना, किसी किसी प्रोग्राम में आते हैं और किसी किसी में नहीं आते हैं, लेकिन अगर हमने उनके साथ में भाई आदमी है, कहीं कुछ काम पड़ सकता है इमरजेंसी में, अगर वो नहीं आ सके तो आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं शमीम खान, मैं अगर अवार्ड साहब सेकुलर लीडर नहीं होंगे तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा, लेकिन मैं अवार्ड साहब सेकुलर लीडर है, अवार्ड साहब वो लीडर है जिसने हमेशा हाउस में अगर सबसे पहले आवाज़ उठाई है तो आवाज़ हमारे कौम के लिए उठाई, हमारे मिल्लत के लिए उठाई है, अवार्ड साहब ने आवाज़ आज हमारे RPI के लोगों के लिए उठाई है, आवाज़ साहब ने आवाज़ वो गरीब तबकों के लिए उठाई है, ये शमीम खान नहीं बोलता है, ये आज की मीडिया कहती है और हाउस कहता है। अपने आमदार का साफ तौर पर बचाव करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे, उनका साफ कहना है कि उनके आमदार जो है इस वक्त जो है मुमरा शहर में मौजूद नहीं है, वो कहीं और काम से गए हुए हैं, इस वजह से जो उनका जो दुआ का प्रोग्राम रखा गया था इस वजह से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन फिलहाल एक बात सामने आती है कि जितेंद्र आभाट अपने आप को यहाँ पर जो है सेकुलर कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है इस दुआ के कार्यक्रम से वो कहीं ना कहीं नदारद जो है रहे, जिसके वजह से मुमरा वासियों ने कई सवाल इस पर उठाए कि आखिर जो शमीम खान ने आज दुआ का प्रोग्राम रखा था उसमें जितेंद्र आवाड नज़र क्यों नहीं आए। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।